आज देसी शेफ लिटिल किचन में मैं बनाने जा रहा हूँ नवरात्रों के बाद जो पूरी बच गई थी उसके साथ में अपनी एक तरह की पापड़ी चाट, और ही साथ में मैंने बनाया है ये ब्रेड का भल्ला। ना कुछ तलना, ना कुछ भिगोना और पीसना, झटपट ही बन जाता है। तो आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। झटपट ही बन जाती है, और जब भी अगली बार आप घर पे पूरी बनाएंगे तो आप यही कहेंगे कि भैया कुछ पूरियाँ एक्स्ट्रा बना लो, चाट बनाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आज ये मेरी बची नवरात्रि की पूड़ियों से ये मेरी झटपट बनने वाली चाट। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों अभी अभी रामनवमी ख़त्म हुई है और नवरात्रे सबके संपन्न हुए हैं, और उसके बाद नेचुरली पूरी हलवा तो बनता ही बनता है। तो इस बार नवरात्रे के बाद में जैसे कि ये पूरी बच गई है, तो अब इस पूरी से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ झटपटी एक बहुत ही स्वाद पूरी की चाट। आप इसके बाद में हमेशा यही कहेंगे कि भैया कुछ पूरियाँ ज़्यादा बना लो, क्योंकि उसको बचा के फिर उसके साथ हम चाट बनाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे कि ये मैंने बताया ये बची हुई पूरी चाहिए अगर बच गई है तो, और उसके साथ में बाकी सारा सामान वही चाहिए जो हमें चाट के लिए चाहिए होता है। जैसे कि मैंने एक उबला आलू लिया है, थोड़ी सी बूंदी ली है, और अपनी ये सीधी छुआरे की चटनी खजूर वाली, और अपनी मूंगफली की हरी चटनी, और दही तो चाहिए ही चाहिए, और बाकी मसाले भी। और चाट का मसाला जो है ना, जो ऊपर छिड़कना है, इसको मैं इकट्ठा ही बना लूँगा जैसे कि चाट वाले बनाते हैं, अलग अलग नहीं डालूँगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले इस पूरी को थोड़ा सा हम गर्म कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, ये देखिए। और साथ ही में ये आलू भी मैं इसके साइड पर डाल दूँगा ताकि ये भी थोड़ा सा क्रंची हो जाए। आप ऑयल डालना चाहें तो डालिए, नहीं डालना चाहें तो मत डालिए। ये मेरी पूरी क्रिस्पी हो रही है और ये आलू थोड़े से क्रंची हो रहे हैं। हम झटपट बनाते हैं अब इसका मसाला। ये थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, मिर्ची आपके ऊपर में आप कितनी खाना चाहते हैं, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और ये चाट मसाला, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। तो लीजिए ये मेरी पूरी की चाट के ऊपर में डालने के लिए ये मैंने मसाला तैयार कर लिया, यानी ये अलग अलग नहीं डालना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिल किया तो मैं भुना जीरा ऊपर से डालूँगा, उसका क्रंच टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए ये मेरी पूरी और आलू ये ना कि गर्म हो गए हैं, और ये थोड़े से मैंने क्रिस्पी भी कर लिए ताकि बिल्कुल थोड़ा सा पापड़ी का भी चाट आए और गर्म गर्म टिक्की जैसा स्वाद भी है। अब इसको और ज़्यादा क्रिस्पी या सूखा ना सूखाते हुए मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा, और बस चलते हैं अगले स्टेप की तरफ को। और मीन टाइम बनाते हैं हम एक ब्रेड का भल्ला। अब चाट बना रहे हैं, पापड़ी चाट जैसा बना रहे हैं, तो उसमें भल्ला ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये लीजिए ये है मेरा ब्रेड स्लाइस, इसको मैंने पानी में कर लिया सोक, और अब इसको मैं अच्छे से स्क्वीज़ कर दूँगा, ये देखिए। और स्क्वीज़ करके इसको मैं भल्ले की शेप दे दूँगा, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मेरे गुजिया की तरह, जैसे कि भल्ले को हमने ऑलरेडी ब्राइन करके रख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी पूरी की चाट। तो लीजिए सबसे पहले गया मेरा इसमें दही, और अब इस पूरी के मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसको भी दही के ऊपर में जैसे हम पापड़ी रखते हैं वैसे रख देंगे। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा दही, और जैसे कि हम बिल्कुल पापड़ी के लिए करते हैं, ये देखिए। और उसके ऊपर में अब जाएगी ये मेरी थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ा सा मसाला जो हमने बना डाल के रखा था। अब देखिए अलग अलग नहीं डालना पड़ा ना मेरे को। और अब इसके ऊपर में ये मेरी मीठी सौंठ चाट वाली, ये देखिए। और जो हमने ब्रेड का भल्ला बनाया था
ये देखिए उसको भी मैं अब दही में डिप कर दूंगा, और बस इसको मैं डिप करके इसको भी इसके ऊपर ही रख दूंगा। ये देखिए थोड़ा सा दही, और इस पे भी थोड़ा सा मसाला और छिड़क देंगे, और अब डालूंगा इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी चटनी और थोड़ी सी अपनी मीठी चटनी। और अब जाएगा ये मेरा आलू जिसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था। ये देखिए थोड़ी सी बूंदी, और अगर है जैसे मेरे पास ये अनार था तो थोड़ा सा अनार भी डाल दीजिए, और थोड़ा सा दही। और तो लीजिए दोस्तों, बातें बातों में ये मेरी आज की फटाफट झटपट बची हुई पूरी से मैंने जो ये पापड़ी आपके साथ बनाई झटपट ही बन गई है, और साथ में ही बन गया है बहुत ही स्वाद ये मेरा ब्रेड का भल्ला, जिसको ना भिगोना, ना धोना, ना पीसना, ना तलना। तो बस आज की रेसिपी के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माय वीडियोस नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, पैसे भी बचाते रहिए, और आनंद से खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।